परेशान दिख रहे हैं क्या रहे हैं सब ऐसा कि शादी करके तो परेशान है सब। अब माँ बाप को छोड़ना पड़ा और फैमिली को छोड़ के तो अलग ही रहना पड़ा, माँ बीवी के साथ रहना पड़ा, दहेज लिए तो ये परेशानी हो गई हमारे लिए। मैं क्या बोला, अक्सर मैं लोगों को बोलता हूँ मैं जहेज वगैरह घोड़े की रकम जोड़े की रकम जहेज वगैरह लिए तो हालत ऐसी हो जाती, क्योंकि जब शादी हो रही ना तो उन्हें चुप सामान लाती लाई तो क्या होता आपका कुछ भी नहीं चलता। इस वास्ते बोलते जहेज के शादियां मत करो, वो शादियों से लानत बरसती जिंदगी में। अब देखो तुम माँ बाप को छोड़ दिए, माँ बाप का घर था, माँ बाप से अलग रह रहे, कितनी बुरी बात है। माँ बाप क्या चीज है तुमको मालूम, माँ बाप वो चीज है अगर तुम्हारे घर में है तो तिजोरी नहीं बल्कि खजाना है समझो। माँ बाप की नजर, माँ बाप का प्यार अगर तुम्हारे घर में रहेगा तो तुम और तुम्हारे बी बच्चे अच्छे रहेंगे। तुम माँ बाप को छोड़ के रहेंगे ना बिल्कुल जिंदगी इफलासियत होगी, क्योंकि तुम लेना देना जायज नाजायज है। अल्लाह पाक ने कह दिए कि ये सब चीजा अच्छे नहीं है, सुन्नत रसूल है निकाह, निकाह को आप अगर जहेज वगैरह लेंगे करेंगे तो सुन्नत से हट गया है, सुन्नत से जब हटेंगे तो घर में लानत आएंगी इफलासियत आएंगी। तो वो आ गई इतने बड़ी, आप क्या कर रहे हैं माँ बाप को अलग कर दिए, माँ बाप से अलग हो गए, कितनी बुरी बात है। वो सही माँ बाप को अलग कर कर तुम रह रहे, बड़ा अफसोस हो रहा शरीफ मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा। तुम माँ बाप के साथ रहो, माँ बाप के माँ बाप का घर होता है, माँ बाप के घर में रहना आपका काम है, माँ बाप आपके साथ नहीं है, माँ बाप के साथ आप रहने का है जबकि वो घर माँ बाप का है और आप हट गए बी बच्चों को लेके, कितनी बुरी बात है। देखो ये चीज मत करो, माँ बाप बहुत अहम चीज है दुनिया से, सब में बड़ी चीज, सब में अच्छी चीज माँ बाप है। माँ बाप की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत रहती, अगर माँ बाप तुम्हारे घर में रहेंगे तो तुम और तुम्हारे बी बच्चे अच्छे रहेंगे, तरक्की करेंगे, समझे ना। जहेज अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लघवी माने असबाब सामान या उस सामान के हैं जो बेटी के शादी में माँ बाप की जानिब से दिया जाए। मौजूदा दौर में जहेज से मुराद महज साजो सामान ही नहीं नकद रकम मोटर गाड़ी और जायदाद भी है, जो लड़के वाले लड़की के वालदेन से ज़बरदस्ती लेकर उन्हें जिंदा दरगोर कर देते हैं। जहेज अगरचे एक ऐसी लुगत है जिससे आज कोई कौम महफूज नहीं, ताहम मुसलमानों में ये लानत सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ अदाकार अरशद नवाब कहते हैं, इस लानत ने मुसलमानों के ज़मीर को कुचल कर उन्हें इतना बेहिज बना दिया है कि आज गरीब और मुफलिस लड़कियाँ जिनके वालदेन जहेज की लंबी चौड़ी फहरिस्तों को पूरा करके उनके लिए लड़का खरीद नहीं सकते, अपनी गरीबी और मुफलिसी और जहेज से तंग आकर खुदकुशी करने लगे हैं। गर्ज जहेज ने पैसे को मुसलमानों की ऐसी कमज़ोरी बना दिया है कि मुसलमान अपने दीन को पसे पुश्त डालकर इसी पैसे के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं। तमाम आसमानी सहीफे गवाह हैं कि जिस किसी ने पैसे की परस्तिश की या पूजा की वो पस्ती वो जिल्लत में पड़ गया। चुनाचे हम देखते हैं कि आज दुनिया भर में मुसलमान भी हर महाज पर जलील ख़ार हो रहे हैं। इस जिल्लत व ख़ारी व बदनामी और रसवाई से मुसलमानों को सिवाय दीनी तालीम के कोई नहीं बचा सकता। लिहाजा तमाम मुसलमान भाई और बहनों से अरशद नवाब ने अदबन गुजारिश की है कि वो दीनी और मजहबी तालीमात की तरफ रुजू हों और अपने अमाल को नेक बना लें ताकि अपने आबा व अजदाद की तरह दीन और दुनिया की सआदत नसीब हो सके और हमारी पाकीज़ा जिंदगियां दुनिया के लिए एक नमूना बन जाएं।